Hey, welcome again. My name is Alok. I am an online English spoken teacher. But हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कल याद किया है, कल से स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ लोग का मैसेज आया था कि सर आप जिस डिटेल में पढ़ाते हो इंग्लिश अदर कंट्री के लोग को भी अपने देश के, तो आप ग्रामर को भी स्टार्ट करो. सो मैंने इसको लिया था सीरियसली और कल हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच. हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्स दिया था, लिखा नहीं था, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताए थे और नाउन के बारे में बताया था कि नाउन कैसे बिहेव करती है. नाउन भी उसी का एक पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने एक सेंटेंस दिया था, इसमें सारे का रोल बताया था कि सारे का कैसा कैसा रोल्स हैं इनमें. और नाउन का हमने कल इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम नाउन्स को डिटेल्स में लेकर चलेंगे. जैसे मैंने कहा था कल कि मेजोरिटी तरीके से देखा जाए तो नाउन को दो तरह से लेते हैं, दो तरीके, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन पार्ट इज कॉन्क्रीट नाउन, सेकेंड पार्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो कंक्रीट नाउन में ये आ जाते हैं फोर, जो ठोस है, जिसको सेंस किया जा सके, जैसे प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव. और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको सेंस ना किया जा सके, जिसको फील किया जा सके, दैट इज कॉल्ड, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. तो आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे. हालांकि इतना डीप नहीं है, बट ठीक है, जो भी रूल्स हैं, जो डिटेल्स हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे. और आई प्रोमिस यू, ये आपको स्टार्टिंग लेवल के लिए नहीं, हर एक लेवल के लिए, क्योंकि हम डिटेल्स में चलेंगे. सो हर एक तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो प्रॉपर नाउन को समझने के लिए पहले समझते हैं कि इसका बिहेव क्या है, इसका यूसेस कैसे है, इसमें क्या एरर आ सकते हैं, ठीक है. हम पहले कुछ चीज़ें लिखते हैं यहाँ पे. हमने लिखा रमेश इज अ गुड बॉय, ठीक है. पहला सेंटेंस हमने लिया, लिखा रमेश इज अ गुड बॉय. हमने दूसरा लिखा अ रमेश इज अ गुड बॉय. हमने तीसरा सेंटेंस लिखा द रमेश इज अ गुड बॉय. हमने चौथा लिखा रमेश इज अ गुड बॉय. देखो इसमें, इस सेंटेंस में एक करेक्ट है, ए सारे इनकरेक्ट हैं. इसका रीजन क्या है, बताया जाता है कि प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन में कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, आर्टिकल ए एन एंड द, उसको प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल क्यों लगाएंगे, खुद ही अपने आप में एक इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है, ठीक है. तो द भी नहीं लगाएंगे, आर्टिकल द भी आता है, द उसके लिए लगाते हैं जिसके बारे में सुनिश्चित करती है. तो प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या है, प्रॉपर नाउन किसी एक आइडेंटिटिकल चीज़ को कहते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया दिल्ली, ठीक है, आगरा, मुंबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. तो जैसे मैंने इंडिया कहा, तो इंडिया के आगे क्या हमें आर्टिकल लगाना, इंडिया अपने आप में ही उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक मैप पे अपनी एक पहचान है, अपनी जगह है, अपनी एक रुतबा है, ग्लोरी है. तो उसके आगे द क्यों लगाना, वो अपने आप में स्पेसिफिक है. द लगाकर हम कोई चीज़ को, द डेफिनिट आर्टिकल है, द लगाकर हम किसी चीज़ को डेफिनिट बनाते हैं कि हाँ द. जैसे मेरे को किसी ने भी कॉल किया तो मैं बोलूँगा क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड, नियर द बोर्ड, इस बोर्ड के पास खड़ा हूँ, मैं इसको एक आइडेंटिटी दे रहा हूँ और इसको सुनिश्चित कर रहा हूँ कहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे हूँ. लेकिन इंडिया के लिए तो बात ऐसा नहीं है, इंडिया की अपनी एक अलग से पहचान है, तो इंडिया के लिए द लगाने की ज़रूरी नहीं है और हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते.
आर्टिकल कभी भी यूज हम नहीं करते प्रॉपर नाउन के लिए। सेकेंड, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा प्रॉपर नाउन को हमेशा एंड हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो एक करेक्ट है, हमने अ रमेश लगाया, अ आर्टिकल के ग्रुप के पार्ट है जिसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द अगेन ए आर्टिकल है जिसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, रमेश इसमें स्मॉल में लिखा हुआ है इसलिए इनकरेक्ट है। सो कभी भी हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट करते, और कभी भी हम इसको इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते, सॉरी, हमेशा कैपिटल लेटर स्टार्ट करते हैं और कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, तो इसलिए ये दोनों सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। क्या बोला, आर्टिकल नहीं लगाते और कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते प्रॉपर नाउन को, क्योंकि इनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, रमेश, सुरेश, महेश, उसका नाम है, और प्रॉपर जब नेम दे दिया मैंने किसी को, उसके बाद उसमें कुछ लगाने की जरूरी नहीं है। ए रमेश कह सकते हैं क्या, एक ही है, जैसे बोला रमेश, मोहन, सुरेश, आदित्य, राहुल, एक ही है वो, ठीक है। नाम अलग अलग और लोग को हो सकता है, बट वहाँ हम एक राहुल की बात कर रहे हैं, पता है हमें। सो वहाँ पे हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। दिल्ली इज अ बिग सिटी, ठीक है। दिल्ली आर अ बिग सिटी, और दिल्ली इज अ बिग सिटी, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सिंपल है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। इसमें इनकरेक्ट कौन है, देखो ए करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि कैपिटल लेटर हमेशा जो प्रॉपर नाउन का होता है, जो नेम होता है, उसका हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, ए स्मॉल डी लिख दिया मैंने, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन हमेशा, आई रिपीट, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो मैंने क्या किया, दिल्ली आर, तो दिल्ली आर नहीं होगा, दिल्ली इज होगा। आर प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और इज सिंगुलर है, सो दिल्ली इज अ बिग सिटी, नहीं कि आर बिग सिटी, ठीक है। सो हमने क्या सीखा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है, और प्रॉपर नाउन को कभी भी हम स्मॉल लेटर से, ये वाला, ये जो बात है सबको पता है, प्रॉपर नाउन को हमेशा हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके आगे आर्टिकल ए, एन एंड द नहीं लगाते, तीन रूल हमने सीखा। यहाँ पे हम आगे चलते हैं,
इज द न्यूटन ऑफ आर सिटी। ठीक है, ही इज द गांधी इन आर क्लास। सचिन इज द ब्रैड मैन ऑफ इंडिया। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द सचिन तेंदुलकर टीम। इस सारे सेंटेंस करेक्ट हैं, सारे सेंटेंस करेक्ट हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आई होगी, अभी तो हमने बोला था कि आर्टिकल ए एन एन द नहीं लगानी, तो ये आर्टिकल कैसे लग गए? ठीक है, मिथ है, ऐसे में रटवा दिया जाता है, बट मैं इसको डिटेल्स में चलूँगा। देखो, जब कोई प्रॉपर नाउन हो और प्रॉपर नाउन की क्वालिटी की और उसकी कर्म की यानी उसके काम की कंपेयर की जाए, ठीक है, और ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह बिहेव कराया जाए, कॉमन नाउन की तरह ट्रेट कराया जाए, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह यूज़ करा जाए, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होता, वो कॉमन नाउन हो जाता है। मैं बताने की कोशिश करूँगा, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आर सिटी। यहाँ ही के जगह पे चलो मैं लगा देता हूँ कुछ भी, और इसको थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं, राम। ठीक है, नाम लिख दिया, राम इज द न्यूटन ऑफ आर सिटी। यहाँ द न्यूटन क्यों लगा दिया? हम यहाँ उस न्यूटन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात न्यूटन की नॉलेज की कर रहे हैं। न्यूटन साइंटिस्ट थे तो हम उनके कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि राम एक ऐसा लड़का है कि वो हमेशा कुछ इन्वेंशन करता रहता है, हमेशा कुछ चीज़ों को खोज करता रहता है, तो उसको लोगों ने मान लिया है कि हमारे सिटी में जो राम है वो हमेशा न्यूटन की तरह कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहता है, कुछ ना कुछ खोज करता रहता है। तो उन्होंने बोला राम इज द न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन नाम नहीं कर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यदि हमें यहाँ कहना होगा कि न्यूटन की जो लॉ याद करते हैं, तो हम यहाँ पे द न्यूटन लॉ नहीं लिख सकते। यदि कोई द न्यूटन लॉ लिख देता है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मीन्स उनके प्रॉपर नाम को लेकर द नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमने उनकी काम की बात किया, हमने उनकी क्वालिटी की बात की, हमने उनकी नॉलेज की बात करी, और वो ऑब्वियसली कॉमन नाउन में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ द गांधी इन आर क्लास, सेम थिंग। वह उसको लगता है कि मीन्स एक बच्चा है, या वह प्रोनाउन को लेकर चल रहे हैं, क्लास में बैठा हुआ, हमेशा वो गांधीवादी की बातें करता है, हमेशा वो साइलेंट रहता है, किसी से हिंसक बातें नहीं करता और सबको गाइडलाइन देता रहता है, समझाता रहता है, तो उसको लोगों ने गांधी गांधी कहना शुरू कर दिया, तो उसको कहते हैं ही इज द गांधी इन आर क्लास। सो द गांधी का मतलब हम महात्मा गांधी के पहले द नहीं लगा रहे हैं, हम द लगा रहे हैं महात्मा गांधी की
जो नाम को हम एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, हम एज एक्चुअल उनकी बात नहीं कर रहे, हम कॉमन में कॉमनली यूज कर रहे हैं। वो भी जैसे एक शहर में दो चार बंदे हैं, वो भी महात्मा गांधी जैसा बिहेव करता है, वही महात्मा गांधी जैसा बिहेव करता है, वही महात्मा गांधी बनने की कोशिश करता है, तो ये मतलब नहीं होगा कि वो सारे महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी की तरह रिएक्ट करते हैं। तो कितने महात्मा गांधी की तरह हो गए, तो कॉमन बन गया ना। जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, समझो, जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो उसको कॉमन की तरह ट्रीट करेंगे, उसके पहले द लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन नाउन है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, देखने में लग रहा है, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ही इज द गांधी, वह गांधी जैसा है, ठीक है, उसकी आचार विचार गांधी जैसे हैं। तो यहाँ पे गांधी को हमने किस तरह से लिया है, कॉमन नाउन की तरह। सेम थिंग, सचिन इज द ब्रैड मैन ऑफ इंडिया। ब्रैड मैन एक खिलाड़ी थे, वो ऑस्ट्रेलिया के थे, जिसकी 27 अगस्त 1908 से लेकर और 25 फरवरी 2001 तक का कार्यकाल रहा, ठीक है, उन्होंने खेला, और वो बहुत बड़े बैट्समैन थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, उनको सबसे बड़ा दर्जा दिया गया था। जब सचिन खेलने लग गए तो सचिन को भी लोग मानने लगे कि वो ब्रेड मैन है। तो यहाँ पे द ब्रेड मैन, ब्रेड मैन के लिए नहीं किया, ब्रेड मैन जो बैटिंग करा करते थे, उनकी जो नॉलेज थी, उनकी जो काम था, उस काम को हमने कॉमन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वो भी ब्रेड है, वो भी ब्रेड जो खेल रहा है। लेट से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं कि ओ क्या तू सचिन बन रहा है क्या, ओ क्या तुम विराट बन रहा है क्या, तो इसे कितने लोग नाम लेते हैं, ठीक है, इसके मतलब टीम में भी पांच लोग, पांच टीम में पांच कह रहे हैं कि मैं सचिन जैसा खेलता हूँ, मैं सचिन हूँ, मैं सचिन हूँ, तो हम बोलेंगे कि ही इज द सचिन इन माई टीम, वह मेरे टीम में सचिन है। इसके मतलब ये नहीं कि हम द सचिन कह रहे हैं, हम वहाँ पे सचिन की बैटिंग की, सचिन की जो काम था, हम काम को कंपेयर कर रहे हैं, काम के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, द लगा दिया, यानी कि सचिन का नाम यहाँ पे एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं हम, सचिन का नाम प्रॉपर नाउन में नहीं यूज कर रहे हैं। बहुत सारे सचिन रोड पे घूम रहे हैं, मैं भी सचिन हूँ, मैं भी सचिन हूँ, इट मीन्स वो सारे सचिन नहीं हैं। जब किसी का नाम हम कॉमन बना देते हैं, कॉमन मतलब क्या होता है, उसका भी उसका भी उसका भी, जैसे मेरे पास मार्कर है, किसी और के पास मार्कर होगा, किसी और पर मार्कर होगा, तो कॉमन हो गया ना, वैसे ही वो भी सचिन कह रहा है, वो भी सचिन कह रहा है, वो भी सचिन कह रहा है, तो कॉमन हो गया ना। यहाँ सारे सचिन नहीं बन गए, सचिन के जैसा, यानी सचिन की जो काम है उस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हो गया द सचिन, ठीक है, या द ब्रैडमैन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो, हमें रटा दिया जाता है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि जो यूनाइटेड स्टेट होते हैं, जो यूएन होते हैं, जो किंगडम होते हैं, जो संघ के होते हैं, उनके पहले द लगा दिया जाता है, ग्रामर में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, रटना नहीं है, द क्यों लगता है, मैंने बोला कि द लगाना ही नहीं है, आई मीन कि आर्टिकल ए एन एन द नहीं आएगा प्रॉपर नाउन में, लेकिन ये कैसे आ गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये द किसके लिए आया है, ये द आया है स्टेट के लिए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट कर सकते हो, स्टेट के लिए, स्टेट के लिए यूज कर सकते हैं ना हम, बहुत सारे स्टेट हैं, तो यहाँ पे जो द आया है स्टेट के लिए आया है, आप समझो बात को, देखो इस ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब लेता है ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन लेता है ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, पूरे सेंटेंस में वर्ब और प्रीपोजिशन को राइट है ऑब्जेक्ट लेने का। तो यहाँ तो जो ऑब्जेक्ट है इसका ए है, इसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, इसको कहानी ख़त्म कर दो, इसको भूल जाओ, ऑफ अमेरिका, जब भी हम कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है उसके बाद वाला, राइट, जैसे हमने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, मैंने लिखा ही इज गोइंग टू
मार्केट, तो यहाँ पे ए वर्ब हो गया, इसके वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, और यदि हम लिखें हाँ ए वर्ब हो गया और ए हो गया प्रीपोजिशन, अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मार्केट हो गया, ए इसका नहीं है, इसको भूल जाओ, ही इज गोइंग टू मार्केट, ए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से ऑफ इज अ प्रीपोजिशन, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया अमेरिका, ठीक है, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि द अमेरिका के लिए लगा हुआ है, द स्टेट के लिए है, यहाँ पे डिटेल्स में जाओ। कल मैं बोला था कि हम पुरानी चीज़ को रटते हुए चल रहे हैं, लेकिन चीज़ें चेंजेज हो रही है और अब चीज़ें लॉजिकली होती हैं। हमने 2012 की, 2008 की, 2006 की, 2000 की आप बुकें पढ़ी है, उसको रट के चल रहे हैं, ठीक है, बट ऐसे नहीं रटना, हम इसका एक लॉजिक होता है आगे जब हम अब मैं स्टार्ट किया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैं एडजेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव में क्लैरिटी ला दूंगा इसको, जस्ट एक रेफरेंस के लिए बताया था, रटना नहीं है, द लगा है स्टेट के लिए, स्टेट कॉमन है, ठीक है, और ये जो अमेरिका है ऑफ का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द सचिन तेंदुलकर टीम, यहाँ भी एक क्वेश्चन आया कि द सचिन क्यों लगा, ये द सचिन के लिए नहीं लगा है, ये द लगा है टीम के लिए, देखना ध्यान से, ये जो यहाँ ये आर्टिकल हो गया और ये सचिन तेंदुलकर यहाँ पे एडजेक्टिव है। यस, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, जो नाउन के पहले आए और नाउन के बारे में कुछ बताए, जो नाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यही सीखा है ना हमने, तो ए एडजेक्टिव है, द सचिन तेंदुलकर टीम, ठीक है, हम लिखते हैं द नरेंद्र मोदी स्पीच, यदि कोई लिखा तो वहाँ पे वो स्पीच की बात कर रहा है, द नरेंद्र मोदी क्या बन गए वहाँ पे, एडजेक्टिव बन गए, उसको हम एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से होता है, जो हम समझ नहीं पाते हमें लगता है कि द क्यों लग गया, तो द का रीजन है, मैं आई रिपीट, यहाँ पे राम इज द न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन के लिए द नहीं लगा हुआ है, ये द लगा हुआ है न्यूटन, क्यों हमने एज ए कॉमन नाउन यूज कर लिया, इसलिए लगा हुआ है, कहीं आप लिखे देख लो और कहीं आप मैगजीन और बुक पढ़ लो उसमें ऐसा लिखा हो, तो आप ये मत सोचना कि अरे वो तो पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे कि द नहीं लगता, यहाँ द क्यों लग गया, तो यहाँ द लगने का जो मेन रीजन है, मेन कारण है, वो इस तरह से, इस तरह की क्वेश्चन आ सकती है और आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है, तो मैं समझा कि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रही होगी, आई रिपीट, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एज यू कैन सी हियर, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी प्लूरल वर्ब नहीं लेता, तो हम राम आर नहीं कह सकते, राम इज कहना है, दिल्ली आर नहीं, दिल्ली इज, ठीक है, ताजमहल आर नहीं, ताजमहल इज, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन को ध्यान में रखते हैं, और कभी भी प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता, ध्यान रखना। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अब क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारे ग्रामेरियन आए हैं, ग्रामेरियन मतलब जो ग्रामर को एडिट करते हैं, बहुत सारे राइटर आए हैं जिन्होंने हर एक तरह की अपनी मतभेद दी है, भैया आप यदि पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे जाएंगे, एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बहुत सारे ग्रामर लोग हैं, ग्रामेरियन हैं जो पीएचडी हैं और रिसर्च करते रहते हैं, और चेंजेज आती रहती है लैंग्वेज में, और कभी कोई कुछ कह देगा, कभी कोई कुछ कह देगा, लेकिन बेसिकली हम क्या फॉलो करते हैं, हमारा लैंग्वेज है नहीं तो हम फॉलो वो करते हैं जो मेजोरिटी कहती है, एक बंदे ने कह दिया ठीक है, वो ही इज अ ग्रेट पर्सन, उन्होंने कह दिया, लेकिन हमें फॉलो करना है जो मेजोरिटी ऑफ पीपल कह रही है, जो मेजोरिटी ग्रामेरियन कह रहे हैं उसको फॉलो करते, आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी सी ट्विस्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है ग्रामर में, ऐसा लैंग्वेज में होता है,
तो वो हमारे नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो आई थिंक मैं एक रिपीट कर देता हूँ, हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, उसके डिटेल्स में गए थे। आज हम बात किए हैं प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन के बारे में बताएं कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है, और यदि आर्टिकल लिए हुए सेंटेंस मिल गए तो क्या है, समझा दिया मैंने आपको। जब कोई प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। वहाँ पे द लगता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रटना नहीं है कि द यूनाइटेड स्टेट के पहले द लगता है, नहीं, द स्टेट के लिए लगा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट के लिए लगा हुआ, ऑफ अमेरिका एक अलग पार्ट है। द सचिन तेंदुलकर टीम, मैं लिखा द अक्षय कुमार मूवी, तो यहाँ पे द अक्षय कुमार के लिए नहीं है, यहाँ पे द आ जाएगा मूवी के लिए। अक्षय कुमार हो गए यहाँ पे एडजेक्टिव। देखो ये जो वर्ड है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ADJECTIC, इसमें हम द को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं कहते, एडजेक्टिव। ये सब चीज़ें आप सीखोगे, प्रोनाउंसिएशन भी धीरे धीरे हम बताऊंगा कि किसको कैसे यूज़ करते हैं और किसको कैसे बोला जाता है। तो आई थिंक मेरा राइटिंग ठीक नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ डीप में चलने का। सो प्रॉपर नाउन फिनिश हो गया यहाँ पे, आगे हम स्टार्ट करेंगे कोई अलग नाउन और उसको डिटेल्स में चलेंगे, ठीक है? तो आई थिंक कि आपको हेल्प करेगा, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट भी करो आप, सो दैट कि मैं आगे सोचूं कि हाँ ठीक ठाक है, आगे लेके चलूं। और सारे जब एक बार नाउन कवर हो जाएगा डिटेल्स में, तो उस पर हम कुछ कंपटीशन लेवल की जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम आपके सामने रखेंगे, सो दैट कि आपको लगे कि अच्छा ये सब दिक्कत आती है, इसके कारण हम लूज़ कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।